10 साल में आप देख ही रहे हो जो नागपुर की जो स्थिति है, जो बाहर का जो 10 साल में आ रहा है वो पर्सन नागपुर को पहचान ही नहीं सकता है। 1500-1500 रुपए जो लाडली बहन के भी दे रहे हैं, जो गरीब पर्सन है उनके लिए 1500 रुपए काफी मायने रखते हैं। नहीं देना चाहिए, बच्चों को नौकरी देना चाहिए, खाली है जो महंगाई लाइट का बिल कम करो, बस यही हमारी इच्छा है। सिस्टर्स लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन मोस्टली वुमेन्स का कहना ये है कि अगर जीजी को पैसे दे रहे हैं तो जीजा जी की जेब से चले जा रहे हैं। महंगाई ऐसी बढ़ गई है, जैसे 15 लीटर का अगर ऑयल का केन अगर 1700 का आता था, जब लाडली बहन योजना शुरू हुई है तो हमें 2300 का लेकर आ रहे, 2300 का हो गया है, 500 हो गया है, तो हमारे हस्बैंड हमसे फाइट करेंगे। प्रगति करेंगे क्षेत्र तो महंगाई कुछ न कुछ कहाँ से न कहाँ से अपने को टैक्स देना ही पड़ेगा। वो तो अपन हाई लेवल पे बढ़ रहे, अपने को नीचे नहीं जाना है, अपने को ऊपर बढ़ना है, कहीं ना कहीं से तो पैसे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर की कंट्री थोड़ी ना आके ऐसे डोनेट करेंगे कि तुम लो, पाकिस्तान थोड़ी ना है अपन, अपने को अपना देश बढ़ाना है। उनके अपोजिट में खड़े रहने के लिए कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष ही नहीं है। बोलते हैं ना कि सब महाराष्ट्र का जो खेल होता है वो शरद पवार के गुट में रहता है। 10 सालों में बोलो या 5 सालों में जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र की, जो मास्टरमाइंड जो नंबर वन में आते हैं तो देवेंद्र जी आते हैं। दो जी के हाल सबको पता है क्या हो गए, इस इलेक्शन में तो सुपड़ा साफ ही है उनका, शिवसेना एक टाइम पे खत्म ही हो जाएंगे। कौन सी वाली, उद्धव वाली या फिर एकनाथ वाली? एकनाथ वाली तो होंगी ही नहीं, क्यों नहीं होंगी? देवेंद्र जी जिसके साथ है सबका साथ सबका विकास है। कैमरे के सामने सबके सामने बोलना चाहूंगी कि वुमेन सेफ नहीं है। मेरी भी एक बेटी है, मुझे बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, बहुत हर्ट होती हूँ, यानी अगर बच्ची घर के बाहर जाती है तो माँ का दिल धड़कता है कि भाई बच्ची सेफ होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या होगा करके। नमस्ते, मी नागपूरला आली आहे, माने नमस्ते, शाबाश शाबाश। मैंने जैसे एक लाइन बोली मुझे पीछे से शाबाशी मिली। नमस्ते, मैं नागपुर पहुंच चुकी हूँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं। नागपुर जो महाराष्ट्र की उपराजधानी भी कही जाती है, जैसे मुंबई राजधानी है इसे उपराजधानी कहा जाता है, यहाँ पर शीतकालीन सत्र भी लगता है। नागपुर इसलिए खास है क्योंकि ये विदर्भ का जो पूरा रीजन है उसका सेंटर माना जाता है, और विदर्भ का क्या, ये इंडिया का भी सेंटर माना जाता है। 0 माइल यहाँ पर है, मतलब जो मार्केशन का इंडिकेशन होता है। दूसरा, नागपुर की धरती अपने संतरों के लिए जानी जाती है, नागपुर की धरती RSS हेडक्वार्टर्स के लिए जानी जाती है, नागपुर की धरती बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हुई दीक्षा के लिए जानी जाती है 1956 में जो उन्होंने ली थी, और नागपुर की धरती जानी जाती है अपने लोगों के लिए, और साथ ही साथ इस वजह से भी कि इसने यहाँ से जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस, उनकी वजह से इसके पहले 2014 वाले विधानसभा चुनाव में भी वो यहीं से ही जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। जहाँ पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ ये इलाका देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही लगती है, नागपुर दक्षिण पश्चिम इलाका लगता है ये, और यहाँ से भाजपा के टिकट पर इस बार फिर से देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के टिकट पर प्रफुल्ल गटसे पाटिल चुनावी मैदान में है। मेरे साथ कुछ काकू लोग हैं, काकू माने काकू को क्या कहेंगे, नहीं हिंदी में मैं लोगों को कैसे बताऊं, मतलब दादी लोग हैं, हाँ चाची लोग हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे बात करूं, इनसे समझूं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, और यहाँ की जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की मोस्टली पॉपुलेशन है वो अर्बन सिटी वाली पॉपुलेशन है, तो ये बताते हैं कि सिटी के मुद्दे क्या हैं, जो शहरी वोटर है वो किस आधार पर वोट देता है, क्या सोचता है। काकू इधर आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हमको 35 साल हो गए। 35 साल नागपुर में तो हमें जिंदगी घटी हमारी, पैदा से आई है हम लोग। अच्छा, पैदा से ही यही है और शादी के बाद भी इधर ही? आप लोग भी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है काकू आपका? शादू लांडगे। शादूला? शादू, शादू, शालू। अच्छा, शादू। आपका क्या नाम है काकू? वीना राउत। वीना राउत। आपका? हीरा टेम्पो। अच्छा, आप लोग के बच्चे यहाँ रहते हैं या बच्चे बाहर चले गए? यही है, सब यही है, सब नागपुर में ही। तो आप लोगों ने तो नागपुर अपने समय से लेके अब तक इतने सालों में देखा, कितना बदला नागपुर, कोई काम वाम हुआ है यहाँ, कैसा है? बहुत हुआ, बहुत हुआ। जैसे आप पुराना नागपुर और अभी के नागपुर में बताओ क्या फर्क है, जब आप छोटी थी और मेरे उम्र की थी तब कैसा था नागपुर, अब कैसा है? अब बहुत अच्छा है, सब बदल गया, पहले जैसा थोड़ी ना रहने वाला, सब बदलता है। क्या क्या बदला? सभी बदल गया, सब मेट्रो बना, सब बना, रोड बना, अभी लाइटिंग बदली, स्वच्छता है सब। अच्छा, पहले से ज्यादा स्वच्छता, पहले से ज्यादा स्वच्छता, मेट्रो भी आ गई। मेट्रो तो पिछले 5 साल पहले भी आ गई थी ना मेट्रो, 5 साल पहले भी, हाँ, क्योंकि जब हम पिछला विधानसभा चुनाव कवर करने आए थे तब भी मेट्रो का तो बताया, काम चालू था। अच्छा, इधर से नितिन गडकरी भी जीत के सांसद बनते ना? हाँ। सर, कोई जिसको जाना है, होना है, कनेक्शन में वो तो बनना है ना? हाँ?
क्या बोले। हाँ तो इधर से ही जीतते हैं ना लोकसभा क्षेत्र नितिन गडकरी का ही है ना। और ये आप लोग जहाँ इधर ही इसी इलाके में रहते हैं जिधर पीछे में ही रहते हैं हम गार्डन के पीछे। तो मतलब अभी आप लोगों के विधायक देवेंद्र फडणवीस वो भी यहीं से ही जीते ना। यहीं से ही जीते। अच्छा तो पहले तो वो मुख्यमंत्री थे अब उप मुख्यमंत्री हो गए। तो आप उनका तो ऐसे हम जैसे कहते हैं ना कि डिमोशन हो गया एक पद नीचे आ गए। होता है ऐसा कम ज्यादा होता रहता है। होता रहता है तो होना चाहिए ना सब एक जैसे हाथ होता नहीं ना कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा ना। अच्छा तो हमें होना ही। आप लोग कैसे दिल नहीं दुखा कि वो बताओ कोई मुख्यमंत्री दिया आप लोगों ने और फिर उनको ऐसे उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अपने हक में है ही नहीं ना बेटा कुछ है क्या वो सब उनके राजनीति के। अच्छा कम ज्यादा होता है। चलो उनको छोड़ा आप लोग मुझे बताओ कि कैसे पिछले 5-10 साल की बात करते हैं जब से वो इधर से जीत रहे तीसरी बार इधर से ही वो टिकट पर लड़ने वाले कुछ काम वाम हुआ देवेंद्र फडणवीस के विधायक बनने के बाद से पिछले 10 साल में। हाँ करते बहुत काम करी थी। क्या क्या काम कराया जैसे लाइटिंग आया हो रोड बने सब कुछ आया ना। और क्या क्या काम बच गया क्या क्या काम करवाना चाहिए अभी करेंगे करते थे तो क्या बोला उनको कुछ नहीं अभी सस्ता करो बोलना उतना बाकी है महंगाई लाइट का बिल कम करो बस यही हमारी इच्छा है बाकी कुछ नहीं। अच्छा खाना पीने का सारा काम का वही तो चलना है ना वही तो चाहिए ना अपने को महंगाई बढ़ते जा रहे क्या करनी कितना कमाएंगे लोग सही बात है कि नहीं जितना मिलता है उतना अपना घर में चल जाता है। लेकिन लेकिन जब हम ऐसे सरकारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है तो महंगाई भी वैसे ही बढ़ेगी। अच्छा वो तो है वो ना वो तो बढ़ना ही चाहिए ठीक है। और वो हाथ मजदूर वाले वो कहाँ जाएंगे वो क्या करेंगे भूखे मरेंगे। 100 रुपए सैलरी बढ़ती और 500 रुपए ज्यादा के देते है कि नहीं सच बात है ना। तो क्या क्या महंगा लगता है काकू जैसे अभी अभी रोजमर्रा किचन के या घर के सामानों में आप लोग को क्या लगता है कि ये बहुत महंगा हो गया सबसे पहले चावल तेल दाल ये सब महंगी हो गई। खाने पीने की महंगा सब ये तो देखो 40 रुपए पाव है क्या खाएंगे सब्जी 35-40 रुपए पाव है। अब घर में 7-8 जन आएंगे कितना खाएंगे बेचारे कितना माल लाएंगे उनको 1 किलो तो लाना ही है एक पाव से नहीं चलने वाला हमारा हमारे 5 जन है हम लोग बहू है बेटा है नाती लोग है मैं हूँ 5 जन है हमारे घर में उसको तो 1 किलो सब्जी चाहिए लेकिन इतना 100 रुपये की सब्जी लेंगे खाएंगे क्या पैसा बचाएंगे क्या क्या काम करेंगे बता। तेल आटा गेहूँ और सब्जी का गिना रही है। हाँ काकू क्या नाम है आपका। मेरा सुशीला सातपुत्र। सुशीला काकू आप कब से नागपुर में रह रही हैं। मैं 20 साल हो गए। 20 साल हो गया शादी होकर इधर आई। मायका किधर आपका। महादुला कोराडी। अकोला कोराडी। अच्छा कोराडी। अच्छा तो आप हाँ वो भी तो नागपुर का इलाका लगता है लेकिन इधर चलो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग हो जाती है। इधर पर आप पिछले 10 साल से क्या देखती हो कोई काम वाम करवाया देवेंद्र फडणवीस ने। रोड बनाए सब तो बना रहे ना वो आ रहे जा रहे सब कर रहे वो ऐसा कुछ नहीं है। आते जाते हैं वो आते जाते इधर इलाके में आते जाते वो मीटिंग है तो आते उसका गणपति में कार्यक्रम है तो आते ऐसा कुछ रहने के बुलाने के बाद आते ना वो आते आते। तो काकू आप लोग का दिल दुखा था या आप लोग को बुरा लगा था जब मुख्यमंत्री से हटा कर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। बुरा तो लगेगा ना बुरा तो लगेगा ना। पहले बार आए तो डिफेंस से आए बाद में वो गए तो वैसे तो उधर पहले डिफेंस रहते ना हम लोग तो डिफेंस से आए ना वो तो उसके बुरा तो लगेगा चेक शीट कम हो गए तो सबके जाए ना वैसा। अच्छा ये बताओ जैसे मैं जब यहाँ आ रही थी ना काकू तो मैंने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा समझा तो मैंने देखा कि यहाँ तो वोट किसी को दो जीत कोई और जाता है और फिर राज कोई और करता है। वो अंदर से करते काम तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम तो कुछ नहीं करते हमको जो देना हम देते वो अंदर से काम करते अंदर से। आप लोग को गुस्सा आता है क्या ऐसे। आता है तो करेंगे क्या नहीं? आता तो है क्या करेंगे जैसे आपके यहाँ दो शिवसेना है दो NCP है तो कैसे फर्क पड़ता है कि शरद पवार वाली NCP कौन सी है अजीत पवार वाली कौन सी आप लोग फर्क कर लेते हो। क्या करना ही पड़ता है जैसे करना ही पड़ता है हमको यहाँ रहना है तो सब नहीं ऐसे बता देते हो कि मान लो ये नेता है तो ये कौन सी वाली ये महायुति का है कि महाविकास अघाड़ी का है ऐसे पता चल जाता है या पता चलता ना पता चल जाता है या इधर सीधे लड़ाई BJP और कांग्रेस की है तो इतना आप लोग ध्यान नहीं देते। सही बात है
सूबेदार के बारे में कहा जाता है, खास करके स्पेसिफिकली इस रीजन के बारे में, कि यहाँ लड़ाई दो पार्टीज के बीच में, जो दो नेशनल पार्टीज आपस में फ्री कर दिया, सब फ्री कर दिया, हाँ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर फाइट रहती है, और यहाँ पर रीजनल पार्टीज जैसे शिवसेना है या एनसीपी है, कुछ युवा भी है। आप इसी एरिया से है, क्या नाम है आपका? मेरा शुभम पारदी। शुभम क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ VNIT में। VNIT में, और रहने वाले भी नागपुर के ही हो? या जैताल में। अच्छा, इधर के ही, मतलब यही कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है? मतलब यही कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, और ये कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल देवेन जी के अगेंस्ट पे खड़े है, उनके ही एरिया में मैं क्षेत्र में रहता हूँ। अच्छा, वो उनका घर जिधर पड़ता है बस वही पे रहता हूँ। आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ पिछले 10 साल में? 10 साल में आप देख ही रहे हो जो नागपुर की जो स्थिति है, जो बाहर का जो 10 साल में आ रहा है वो पर्सन नागपुर को पहचान ही नहीं सकता है। मतलब मेट्रो आ गई है, हाईओवर हो गए, फ्लाईओवर हो गए, हर रोड सीमेंटीकरण हो गए, हर एरिया में डामरीकरण, मतलब हर चीज़ों में। और कोविड के इसमें जो देवेन जी ने हमारे तरफ जो साथ दिया है, देवेन फडणवीस ने जो साथ दिया है, और अभी तो 1500 रुपये जो लाडली बहन के भी दे रहे हैं, तो इनसे मतलब बड़े लोगों को तो फायदा नहीं, बड़े जो ये पर जो गरीब पर्सन है उनके लिए 1500 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। होती है महंगाई तो होंगी, अभी कच्चे तेल के ये रेट बढ़ गए तो महंगाई तो बढ़ेंगी, पर 1500 रुपये काफ़ी मायने रख रहे हैं। अभी 3000 रुपये आ रहे, उन्होंने कुछ ये किए कि प्रॉमिस किए कि 2100-2100 रुपये भी हम बढ़ाएंगे ऐसा, और उनके अपोजिट में खड़े रहने के लिए कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष ही नहीं है। लेकिन जैसे काकू बोल रही थी, काकू कह रही थी कि महंगाई तो बढ़ रही है 500 रुपये और सैलरी बढ़ती है 100 रुपये, तो महंगाई तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है ना। अब वो जैसे कह रही है कि मैं तो पेंशन पे रहती हूँ तो मुझे तो बड़ी लगती है महंगाई। कैसा है प्रगति करेंगे क्षेत्र तो महंगाई कुछ ना कुछ कहाँ से ना कहाँ से अपने को टैक्स देना ही पड़ेगा। वो तो अपन हाई लेवल पे बढ़ रहे, अपने को नीचे नहीं जाना है, अपने को ऊपर बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर की कंट्री थोड़ी ना आके ऐसे डोनेट करेंगे कि तुम लो, पाकिस्तान थोड़ी ना है अपन, अपने को अपना देश बढ़ाना है, ये करना है। और यहाँ पे जो अगेंस्ट प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने जो खड़ा किया है प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल, बस वो यहाँ के हमारे तरफ के नगर सेवक है, उनका काम सिर्फ इलेक्शन आता है तभी वो यही हमको दिखते हैं हमारे रोड पे, उनका ये होता है मतलब तभी काम करते, नहीं तो वो 5 साल पूरा घुल रहते हैं, गायब भी रहते हैं, दिखते नहीं। और देवेन फडणवीस हमारे CM है, हम किसी को गर्व से आपके डिप्टी CM हो गए हैं, पर हम तो CM ही मानते हैं उनको। अच्छा ये बताओ, आप लोग CM मानते हो, मन से मानते हो, लेकिन कहाँ CM रह पाते हैं? मतलब जिनके खिलाफ चुनाव लड़े, जिनके बारे में 6 महीने पहले तक सब कुछ बोल के चुनाव लड़ा, फिर उनके साथ जाके हाथ मिला लेते, मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देख के आप लोग को क्या उकताहट नहीं होती थी कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं एक ही बात बोलूँगा, देवेन जी एक साधारण आदमी नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी है, किसी को भी अट्रैक्ट करके या अट्रैक्शन से या किसी को भी बात करके वो अपने तरफ कैच करने वाले पर्सन है। अच्छा? ऐसा नहीं है कि देवेन जी को पहले जैसे शरद पवार को हम मानते थे कि वो एक बहुत मतलब बोलते हैं ना कि सब महाराष्ट्र का जो खेल होता है वो शरद पवार के गुट में रहता है, वैसा अब 10 सालों में बोलो या 5 सालों में जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र की, जो मास्टर माइंड जो नंबर वन में आते हैं तो देवेन जी आते हैं, हर पार्टी को मिलजुल के बराबर अपनी सरकार बनाती है। और हमको मतलब ये तो श्योर सीट है कि ये देवेन फडणवीस, और हमको प्राउड फील होता है कि हमारे तरफ से देवेन जी दक्षिण पश्चिम से आते हैं, और हम प्राउड से कहीं भी बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक जो है वो देवेन फडणवीस है, हमको एक प्राउड फील होता है। अब चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद पर मायूसी नहीं होती, कुछ मायूसी नहीं होती, चलेगा बस देवेन फडणवीस। मतलब जो विरोधी होते हैं या जो मीम बनाते हैं, आप तो सोशल मीडिया यूज करते होंगे, वो ये कहते हैं कि पूरी लड़ाई इनकी शिवसेना के साथ यही रही कि हम मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, रोटेशन में नहीं करेंगे, और फिर बाद में जाके यही हुआ कि आपको मुख्यमंत्री पद तो एकनाथ जी को ही देना पड़ा। देवेन फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से कोई ये नहीं था, मोह नहीं था। देवेन जी को ये था कि एक गर्व की ये हो गई थी कि मैं मुख्यमंत्री के लिए ये किया, मेरे प्रचार सब मुख्यमंत्री के लिए हुए, और तुम मतलब वो होता है ना कि मैच जीतने के बाद बोलते हैं कि वो मैं भी कंट्रीब्यूट था, जो मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द जो जीता वही सिकंदर होता है, तो वो मायूसी थी। अब उद्धव जी के हाल सबको पता है क्या हो गए, और इस मतलब इस इलेक्शन में तो सुपड़ा साफ ही है उनका, मतलब शिवसेना एक टाइम पे ख़त्म ही हो जाएंगी, ये समझ लेना आप।
कौन सी वाली, उद्धव वाली या फिर एकनाथ वाली? एकनाथ वाली तो होंगी ही नहीं। क्यों नहीं होंगी? देवेंद्र जी जिसके साथ है सबका साथ सबका विकास है। अच्छा ठीक है, ये देवेंद्र फडणवीस के समर्थक थे जिनका ये कहना था कि ये उप मुख्यमंत्री पद मिलने के बावजूद मायूस नहीं है, खुश है। काकू ये कह रहे थे देवेंद्र जी यहाँ आते वाते 5 साल में दिखते हैं आप लोगों को? कल आए थे गए। हाँ अभी तो चुनाव के लिए रैली निकाले थे ना कल, उसके अलावा कभी ऐसे आते वाते हैं? कार्यक्रम है। अच्छा दूसरा ये लाड़की बहन का पैसा बता रहे थे, तो आप लोग के आसपास किसी को मिल रहा है लाड़की बहन योजना का पैसा? हाँ आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है ये स्कीम, पैसा देना ठीक है महिलाओं को 1500 रुपये, या ये बस चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए? आप क्या सोचते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि 1500 रुपये ऐसे महिलाओं को देना चाहिए जिनको ज़रूरत है या फिर नहीं देना चाहिए? आप अगर मुख्यमंत्री होती तो आप क्या करती? नहीं नहीं देना चाहिए। हाँ। बच्चों को नौकरी देना चाहिए, खाली है जो। और IT पार्क भी हमारे पास में है, अभी सिम्बोसिस नागपुर में आया है, कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में आया है। मियान आया उससे क्या वाकई 1 लाख लोगों को नौकरियां मिली है या ये उतना भी आंकड़े नहीं, मतलब आप इतना तो ईमानदारी से बता दो। 70 से 80 हजार एम्प्लॉय को नौकरी मिली है पर लाख नहीं पहुंचा, लाख नहीं पहुंचा है, पर धीरे धीरे ये बात तो झूठ बोल रहे हैं। और धीरे धीरे टाइम रहेगा तो मिलेगा ही। हाँ। टाइम रहता है, हर चीज को टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएंगे देवेंद्र जी और फट से नौकरियां ये हो जाएंगी, हर चीज का टाइम पीरियड रहता है और धीरे धीरे टाइम पीरियड से विकास हो रहा है, जरा हल्के गाड़ी। हाँ लेकिन लाख वाली बात तो झूठ बोल रहे हैं, मतलब देवेंद्र जी झूठ नहीं बोल रहे। अब उन्होंने हमारे से ज्यादा वो स्टडी, वो बुद्धिजीवी है, उनके पास सब डाटा रहता है। ये भी तो हो सकता है कि डाटा पहुंचाने वाले ही डाटा में घालमेल कर रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता देवेंद्र जी, बताओ फिर आप कह रहे हो 70-80 हजार, देखो लाख तो नहीं मिली है, दूसरा तो लाख स्टडी नहीं किया हुआ इस चीज में। मैंने ये बोला हूँ कि हमारे क्षेत्र के मैक्सिमम जैसे जैताला हो गया, एकर माता नगर हो गया, जो भी हमारे प्रभाग के, तो मैक्सिमम मतलब 100 में से 30 या 40% तो मियान में वर्कर है। अरे आइए आइए, अभी ऑफ कैमरा मुझे इतनी बातें बता रहे थे वो भैया, अब चले गए दूर। अच्छा ये तो आपने काम गिना दिए, ऐसा कौन सा काम है जो बच गया है, जो काम होना चाहिए? अभी कई प्रभाग में ऐसा है कि रोड जो हुए है, रोड की हाइट जो बढ़ी है, उसमें सीवर लाइन जो ड्रेनेज के सिस्टम है उनका काम काफ़ी पेंडिंग है। और अभी मतलब इलेक्शन के टाइम में काफ़ी स्पीड से जो काम हुए है, तो ऐसा कोई पेंडिंग वाला तो काम हमें लगता नहीं, सिर्फ अभी रोजगार फटाफट मतलब जैसे मियान साइड में जैसे हो गया, कंपनीज बड़े बड़े आ रहे हैं, वैसे ही जो स्पीड से कंपनी आ रही है वैसे ही रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर का कोई भी युवा मतलब बेरोजगार रहेगा। जैसे पुणे मुंबई बेंगलुरु जो सिटी हो गई है रोजगार के बारे में, वैसे ही हमारा नागपुर भी हो रहा है, और मुंबई को जो अभी टक्कर देने वाली सिटी जो बन रही है वो नागपुर ही बन रही है। अब मतलब विदर्भ उस पहचान से विदर्भ नहीं रह गया जिस पहचान से रहा जाता था। और लोग हैं आया कैमरा देख कर डर रहे हैं, बात नहीं करेंगे? करते हैं बात यहाँ? बिल्कुल बात तो करते हैं, और लोगों से बात करते हैं, उनसे उनका पर्सपेक्टिव जानने समझने की कोशिश करते हैं। आइए अमितेश जी, तब तक कैमरा घुमा कर दिखाइए यहाँ पर कितने पार्क में बच्चे खेलने के लिए आए हैं, फैमिलीज लेकर आई हैं, जो शाम का वक्त होता है घर के बच्चों को झूला झुलाने और टाइम पास कराने के लिए, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उस तरफ लोग दिख रहे हैं। आइए वहाँ चलते हैं, देखो इधर लोग खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? गांधीबाग जोन से आए हैं, हंसापुरी साइड से। ये किधर पड़ता है, कौन सा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र? सेंटर। हाँ सेंटर, यस। अच्छा आप लोग कितने सालों से नागपुर में रह रहे हैं? बाय बर्थ, यस मैम। कैसा नागपुर में कुछ काम वाम हुआ है, कोई विकास की? बहुत विकास, प्रोग्रेसिव तो हो गया है, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, मेट्रो तक आ गया है, आप क्या बोल सकते हैं। डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेसिव हुआ है नागपुर सिटी। किसको क्रेडिट मिलता है इसका? मिली जुली ही बोलेंगे अपन, वैसे तो मोस्टली तो अपन यही बोलेंगे कि जैसे भाजपा आई है, बट प्रोग्रेस तो हर जगह ही हो रहा है। अभी देखो अभी इलेक्शन आ रहे हैं बीच में 20th को, बोल नहीं सकते कि कौन इलेक्शन कौन जीतेगा करके अभी। तो लेकिन आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे, जैसे मैं पूछूं, आपने क्या नाम बताया अपना? फरहत।
फरहत जी। तो फरहत जी, आप जब वोट डालने जाएंगी तो आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आप ध्यान में रख के वोट डालेंगे कि मेरे हिसाब से ये काम अच्छा हुआ या ये काम अभी भी पेंडिंग है? अच्छा, देखिए प्रोग्रेसिव तो बहुत हुआ है इंडिया, नॉट ओनली नागपुर बट नॉट ओनली महाराष्ट्र बट इंडिया भी जो है बहुत प्रोग्रेसिव हुआ है सभी जगह पे डेफिनेटली। बट कुछ मुद्दे हमारे यहाँ पर जो बाकी है वो बहुत से, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर महंगाई जो बोलते हैं और सबसे पहले भ्रष्टाचार जो बोलते हैं, जैसे कि मैं आप कैमरे के सामने सबके सामने बोलना चाहूँगी कि वुमेन सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा, वुमेन सेफ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सब जगह जो वुमेन की जो है तो वो सेफ्टी का ख्याल साहस वो रखा जाए। हम जब सोचते हैं कि अभी शांत हो गया अब कुछ नहीं होगा, फिर कोई एक हो जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, जिससे मैं, मेरी भी एक बेटी है, मुझे बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, बहुत हर्ट होती हूँ। यानी अगर बच्ची घर के बाहर जाती है तो माँ का दिल धड़कता है कि भाई बच्ची सेफ होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या होगा करके, है ना। इसलिए तो मैं सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए बोलूँगी। उसके बाद महंगाई का मुद्दा है, अगर सपोज़ ये बोल रहे हैं कि लाडली बहन योजना, वो तो मुझे तो भी बेनिफिट हुआ है, ऑब्वियसली मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है उससे, लाडली बहन मिल रहा है 1500। यस यस, आप लोग सबको मिल रहा है? अच्छा, सभी है, सभी। बट कैसी है, अच्छी है, नहीं है? अच्छी है, सिस्टर्स लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन मोस्टली वुमेन्स का कहना ये है कि अगर दीदी को पैसे दे रहे हैं तो जीजा जी की जेब से चले जा रहे हैं। बात तो यार ही ना, तो फिर घर में तो फाइटिंग होने कंपलसरी है। हाँ। महंगाई ऐसी बढ़ गई है, जैसे 15 लीटर का अगर ऑयल का केन अगर 1700 का आता था, जब लाडली बहन योजना शुरू हुई है तो हमें 2300 का लेकर आ रहे, 2300 का हो गया है, 500 हो गया है, तो हमारे तो हस्बैंड हमसे फाइट करेंगे। अच्छा, उधर से पैसा मिल रहा है लेकिन इधर से जा रहा है। वहाँ वेजिटेबल्स कितनी कॉस्टली हो गई, वेजिस तो इंसान क्या सादा शाकाहारी भी नहीं खा सकता है क्या, वैसा वाली बात हो गई ना। तो थोड़ा महंगाई का मुद्दा मेन है, गैस सिलेंडर का मुद्दा मेन है औरतों के लिए, और जो मैंने कहा लेडीज़ के लिए सेफ्टी चाहिए हमको, इसलिए। बाकी हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था यहाँ कैसी है? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह तो सब मेडिकल लाइंस की, मेडिकल फील्ड्स की फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर, ना जैसे नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहाँ काम हुआ है नागपुर में, फास्ट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट में मेरे, हाँ मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, डॉक्टर है। तो कहाँ, सरकारी में पढ़ते हैं? नहीं, प्राइवेट में। क्यों, सरकारी में क्यों नहीं जाते यहाँ पर? अब ट्रेंड चेंज हो गया है, कोई सरकारी में नहीं भेजना चाहता? नहीं जा रहा, हालांकि फैसिलिटी वहाँ भी दे रहे हैं, मैंने सुना है वहाँ बुक्स वगैरह मिल रही है, बच्चों को लंच वंच मिलता है, बट लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट में जाए करके। नागपुर के विकास का ज्यादा क्रेडिट आप विधायकों को देते हैं या सांसद नितिन गडकरी जी को देते हैं, मतलब किस पर ज्यादा? नहीं, गडकरी जी के इसमें तो हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है, गडकरी जी ने नागपुर को ऊंचाई पे लेकर गया है, ये बात तो सच है, उनको क्रेडिट जाता है। और देवेंद्र जी को? दोनों, बोथ यस बोथ। तो हम तो ऐसे उड़ते उड़ते, अब हमें नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, हमने तो ऐसी भी खबरें सुनी है कि दोनों अलग अलग गुट के हैं, दोनों में आपस में थोड़ी बनती भी नहीं है, या आप लोग को ऐसा कुछ नहीं लगता? आप लोग को लगता है सब बेकार बातें? पॉलिटिक्स में तो ऐसा है कि बाप बेटा भी सगा नहीं रहता, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, अंदर की न्यूज़। हालांकि दोनों ही बीजेपी के है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपन बोल नहीं सकते ना, एक ही घर में भी कई जगह ऐसा होता है कि कोई बीजेपी में तो कोई कांग्रेस में है, तो दिस इज पॉलिटिक्स, उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, उनके अंदर की पॉलिटिक्स वही जाने है, ऐसा है। पर ऊपर सब ठीक है? हाँ, वो तो सभी ठीक है, ऊपर से सबको हलचल, अंदर है, ऊपर सब शांति छाई हुई है। तो नागपुर के लिए कौन ज्यादा अच्छा है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, इस बार किस पर, या महाविकास अघाड़ी या महायुति? टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, ये तो सीक्रेट है, ये सीक्रेट लीक नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम क्या है? हमारे सेंटर से तो बंटी शेल के है, बंटी शेल के। अच्छा, और बीजेपी से उधर से नितिन राउत? हाँ, नितिन राउत जी, राउत जी। सेंट्रल सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ सारे अपने फ़ोन की रील्स और कैमरा निकाल कर तैयार हो गए। आप लोग क्या स्टूडेंट है? हाँ, क्या कर रहे हैं? फैमिली को लेकर आए। कहाँ रहते हैं? मैं त्रिमूर्ति नगर में रहता हूँ। अच्छा, क्या आपके इलाके में कैसा काम हुआ है, नाम क्या है आपका? महेश सोनी। महेश जी, कैसा काम हुआ है त्रिमूर्ति के इलाके में, कोई काम वाम हुआ है? अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। क्या अच्छा डेवलपमेंट? जैसे यहाँ पे गार्डन वगैरह भी पहले 3-4 साल से बंद था, अभी फिर से डेवलपमेंट हुआ है। ये सब क्या नया बना है, ये जो हम देख रहे हैं? हाँ, फिर से अभी नया बना है, ये नगर पालिका निगम ने बनाया ना। हाँ। ठीक है, तो ये कुछ शहरी जनता थी जिनसे हम समझने आए कि वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, उनके नज़र में क्या है।
और जैसे ही आप नागपुर आएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि पिछले 5-10 साल में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्लाईओवर्स बने हैं, रोड की स्थिति सही हुई है, यहाँ पर मेट्रो आई है, उसके बाद जो बाकी तमाम ब्रांड्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, वो सब आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वो मोटा माटी सेटिस्फाइड है। बाकी जो विधायक से एक्सपेक्टेशंस हैं या ये कहें कि सरकार से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उनके अपने पर्सनल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो कि रोज़गार मिलना चाहिए, ये सब मुद्दे हैं। स्टूडेंट्स की अपनी राय है। अब हम यहाँ से अलग अलग इलाकों में जाएंगे और अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर शहरी जनता ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिश थी कि ज़रा पार्क वार्क में पहुँचा जाए और समझा जाए कि लोगों के मुद्दे क्या है। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और हमारे इलेक्शन कवरेज के लिए आप ललित टॉक देखते रहिए। शुक्रिया।